उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। सरहदों की निगहबानी के लिए 341 युवा अफसरों की टोली तैयार हो चुकी है। भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में देश भर पर मर मिटने के शपथ लेकर ये युवा भारतीय सेना का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। जी हाँ, सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर ने कमांडिंग ली। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए इस बार भी परेड सादगी से हुई। परेड के बाद पीपिंग और ओथ सेरेमनी के बाद 425 जेंटलमैन कैडेट्स बतौर लेफ्टिनेंट देश विदेश की सेना का अभिन्न अंग बने। इनमें 341 युवा सैन्य अधिकारी भारतीय थल सेना को मिले, जबकि बात की जाए युवा सैन्य अधिकारियों की तो 9 मित्र देशों में अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, भूटान, मॉरिशस, श्रीलंका, वियतनाम, टोंगा, मालदीव और किर्गिस्तान की सेना का अभिन्न अंग बने हैं। देश भर में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा 66 जेंटलमैन कैडेट पास आउट हुए हैं, तो वहीं दूसरे नंबर पर हरियाणा राज्य है, जहां से 38 जेंटलमैन कैडेट देश की सेना में शामिल हुए। इस तरह देश में तीसरे नंबर पर उत्तराखंड राज्य है, जहां से 37 कैडेट पास आउट होकर सेना में अफसर बने हैं। तो आपको बता दें कि भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में देश पर मर मिटने की शपथ लेकर ये युवा भारतीय सेना का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं और सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर ने ये कमांडिंग ली है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए इस बार भी परेड सादगी के साथ मनाई गई। परेड के बाद पीपिंग और ओथ सेरेमनी के बाद 425 जेंटलमैन कैडेट्स बतौर लेफ्टिनेंट देश विदेश की सेना का अभिन्न अंग बने हैं। इनमें से 341 युवा सैन्य अधिकारी भारतीय थल सेना को मिले हैं, जबकि 84 युवा सैन्य अधिकारी 9 मित्र देशों अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, भूटान, मॉरिशस, श्रीलंका, वियतनाम, टोंगा, मालदीव और किर्गिस्तान की सेना का अभिन्न अंग बने हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता शुभम। तो शुभम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से सरहदों की निगरानी के लिए 341 युवा अफसर की टोली तैयार की गई है और किस तरह से जो परेड का कार्यक्रम हुआ है वो आखिर कैसा था? जी बिल्कुल, बता दो, 340 जो अफसरों की टोली तैयार की गई है भारतीय सेना के लिए। इसमें कई जगह के, जैसे देखा जाए कि इसमें जहाँ जैसे देखा जाता है कि बिहार के 32 आदमी, 29 जो है दिल्ली से, जम्मू कश्मीर से 18 लोग हैं, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान से 16 कैंडिडेट है, मध्य प्रदेश से 14, पश्चिम बंगाल से 10 और केरला से 7 और कई जो है बाहर से भी है, जैसे आसाम, चंडीगढ़, गुजरात, गोवा, कर्नाटक से जो एक एक जो कैडिट है पास आउट हुए। कहीं ना कहीं के लिए जो है सेना के लिए पूरी तरीके तैयार है और जो है उत्साहित है। कहीं ना कहीं देखा गया है जो यंग जनरेशन के लड़के हैं जो आगे आ रहे हैं और जो भारतीय सेना में फिर से घुस रहे हैं। जी, अगर थल सेना की बात की जाए शुभम, तो क्या है, कितने युवा सैन्य अधिकारी उसमें शामिल हुए हैं? तो आपको बता दें कि इस तरह से देश के तीसरे नंबर पर उत्तराखंड राज्य, जहां से 37 कैडेट पास आउट होकर सेना में अफसर बने हैं। फिलहाल बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर उत्तराखंड चार धाम के तीर्थ पुरोहितों ने अपने हाथों पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि चार धाम के तीर्थ पुरोहित पंडा समाज के लोग पिछले कई समय से देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के पक्ष पर दिखाई नहीं दे रही है। वहीं चार धाम के तीर्थ की बात की जाए तो आपको बता दें देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की लगातार मांग की जा रही है। हमारे चारों धामों के लोगों ने आज ये तय किया था पहले से कि आज हम लोग सब लोग चारों धामों में सभी लोग पट्टी बांध करके इसका विरोध करेंगे और ये तब तक करेंगे जब तक देवस्थानम बोर्ड भंग नहीं किया जाता। अब आने वाले समय में जबकि चुनाव होने वाले हैं इस समय, तो कहीं ना कहीं हम लोग इसको भी प्रभावित करें। रुद्रप्रयाग में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों व महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया है और इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री देवेंद्र झिंगवाड़, पीसीसी सदस्य वीरेंद्र बुटोला व ब्लॉक अध्यक्ष बंटी जगवाड़ का कहना है कि 2014 में भाजपा व मोदी जी चिल्ला चिल्ला के लोगों से वादा कर रहे थे कि कांग्रेस सरकार महंगाई को
काबू नहीं कर रही है और देशवासियों को मोदी जी ने भरोसा भी दिया था कि हम केंद्र में बैठेंगे तो डीजल पेट्रोल रसोई गैस आदि करके लोगों को राहत देंगे। वहीं मोदी जी दो बार प्रधानमंत्री पद पर बैठ गए लेकिन महंगाई काबू तो दूर की बात, 100 रुपए प्रति लीटर पार पेट्रोल कर दिया है। ये सरकार से कांग्रेस पार्टी को ही नहीं पूरे देश के लोगों को कोई उम्मीद नहीं है और इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस सरकार ने लोगों का जीना बहुत मुश्किल कर दिया है। गैस और पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए हैं कि लोग, रोजी रोटी तो बहुत बड़ी बात है लेकिन गैस इतने, आपने घरेलू दाम बढ़ा दिया गैस सिलेंडर के, पेट्रोल के, डीजल के, लोगों ने गाड़ी चलाना बंद कर दिया, लोग स्कूटी से चल रहे हैं, मुझे तो लगता है कुछ दिन बाद लोग साइकिल में आ जाएंगे। देखिए ऐसा है कि मोदी सरकार जब 2014 में सत्ता में आई थी तो 2014 से लेकर आज तक वो झूठ बोलते हुए आ रही है। उस समय कहा कि हम प्रत्येक खाते में जो है 15 लाख रुपये देंगे, 200 नौकरी देंगे और जो महंगाई है पेट्रोल है डीजल है उस समय 60-65 रुपया पेट्रोल था तो जो है उसको 30 रुपये पे लाएंगे। लेकिन हुआ क्या, आज 105 से ऊपर जो है पेट्रोल चला गया, 100 से ऊपर डीजल चला गया है और 1000 रुपये गैस का सिलेंडर चला गया और सरकार जो है कह रही है कि जो है सरकार के खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का कद्दावर चेहरा अजय कोठियाल है। अजय कोठियाल ने 70 विधानसभा सीटों में चुनाव लड़ने की ताल ठोकी है। आपको बता दें कि कर्नल कोठियाल आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद आज पहली बार ऋषिकेश पहुंचे और यहां उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी पूरे 70 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। खास बात यह है कि प्रत्याशियों में युवाओं को अधिक से अधिक मौका दिया जाएगा। तो 70 सीटें हैं, उन 70 सीटों पे आम आदमी पार्टी लड़ेगी। हमने कहाँ से लड़ना है वो ना अभी पहले काम करते हैं, उसके बाद ये जरूर है हमने भी इलेक्शन लड़ना है और 70 सीटों के बाहर से नहीं लड़ेंगे, इन 70 में ही कहीं ना कहीं से लड़ेंगे। क्या उद्देश्य रहेगा और किस तरह से नवनिर्माण होगा? बड़े बेसिक सी रिक्वायरमेंट है, जैसे एक शब्द होता है पलायन, अगर तो तरक्की के लिए पलायन हो रहा है तो कोई बुराई नहीं है लेकिन अगर पलायन मजबूरी में हो रहा है कि यहाँ पे हेल्थ नहीं है, एजुकेशन नहीं है, रोजगार नहीं है, जंगलों में आग लग रही है तो हमें ना उनको प्रायोरिटाइज करना है। बेसिक तो मुद्दे यही है, हेल्थ, एजुकेशन, रोजगार, बिजली पानी और जिसमें जो कि मतलब एक होता है फ्री, एक होता है क्योंकि सरकार हमसे टैक्स ले रही है तो ये ना ऑब्लिगेशन है कि ये। वही मंत्री अतीश्वरानंद ने प्रदेश की चीनी मिलों को अल्टीमेटम दिया है। चीनी मिलों को अल्टीमेटम देते हुए उन्होंने कहा कि जब तक किसानों की पैराई खत्म नहीं हो जाएगी तब तक कोई भी मिल बंद नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अगर गन्ना किसानों की समय समय पर समस्या दूर नहीं की गई या फिर अन्य प्रकार की समस्याएं किसानों के सामने आई तो चीनी मिलों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने खुले तौर पर चीनी मिलों को चेतावनी दी है। उन्होंने आगे कहा कि अगर किसानों के साथ में धोखाधड़ी या फिर उनकी समस्या का निदान नहीं किया जाता है तो चीनी मिलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीपी बोर्ड पे ना दी जाए इसलिए हम उच्च न्यायालय नैनीताल में हमने रिट डाल रखी और ये हमारी चीनी मिल है 3 जिलों की मिली हुई चीनी मिल है। इसके लिए कॉपरेटिव एक्ट के अंदर एक संविधान में संशोधन हो चुका है, ये मल्टी स्टेट कॉपरेटिव है, इसको कोई अधिकार नहीं उत्तराखंड सरकार इसको अकेला फैसला ले, इसके साथ उत्तर प्रदेश ज्वाइंट है और मल्टी स्टेट कॉपरेटिव एक्ट के अंदर उत्तराखंड सरकार नहीं चलाती, इसको सेंट्रल हमारे क्षेत्र के विधायक श्री बहुगुणा जी ने, हमारे खटीमा के विधायक जी का लगातार प्रयास था कि सितारगंज शुगर मिल को चलाया जाए, सरकार ने निर्णय लिया माननीय तीरथ सिंह रावत जी ने कि हम पीपी मोड पर सितारगंज शुगर मिल चलाएंगे और आने वाले 30 तारीख को इसमें टेंडर डालेंगे, उसमें जितनी भी पार्टी आएगी जो भी उसमें टेंडर डालने में सफल होगा, जो भी ज़्यादा रेट पर टेंडर डालेगा ये। वहीं उधम सिंह नगर के किच्छा में कोविड-19 वैक्सीनेशन जागरूकता अभियान चलाया गया जिसमें जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने
क्षेत्र के स्वास्थ्य विभाग, तहसील कर्मियों, नगर पालिका ब्लॉक व ग्रामीण पदाधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि कोविड-19 वैक्सीनेशन को तेजी से करवाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र कच्छा में मात्र 20% वैक्सीन लगी है, जो चिंता का विषय है। सभी जनप्रतिनिधियों को मिलजुल कर प्रयास करने होंगे, घर घर जाकर वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करना होगा, वैक्सीनेशन के लिए गलतफहमियों को समाप्त करना होगा। रुक करते अगली खबर की ओर। विकास नगर के तहसील क्षेत्र में जमीन को लेकर आए दिन शिकायतें मिलती रहती हैं। इस तरह के एक मामले में जमीन मालिक और ग्रामीणों के बीच जमकर कहासुनी हुई। ग्रामीणों ने तहसील प्रशासन व जल विद्युत निगम डाकपत्र के अधिकारियों से शिकायत की। जमीन के विवाद को लेकर मालिक ने कहा कि रास्ते के बराबर भी लगी हुई है नंबरी जमीन मेरी है, जिसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मौके पर पहुंचकर राजस्व उपनिरीक्षक के साथ जल विद्युत निगम डाक पत्थर के अधिकारियों ने मामले का निपटारा करने की बात कही और इसीलिए भूस्वामी का यह कहना है कि किसी को भी जमीन के मामले में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सर, ये विवाद तो कुछ भी नहीं है, ये जमीन मेरी है और ये लोग सिंचाई विभाग बता के बार बार मुझे डराते हैं, धमकाते हैं। फिर ये जो कि एक यहाँ पे गंभीर नाम का है, उसके पिताजी कभी एसडीएम बताते हैं अपने आप को कि मैं एसडीएम रहा हूँ और मुझे सारी नॉलेज है, वो बार बार आके मेरे पास दबाव बनाते हैं, कहते हैं कि ये पंचायती है और ऐसे ऐसे करके। और एक बिक्की नाम का बंदा है और ये मुझे इनसे पूरा ये ऐसा भी है कि ये कभी भी मुझे मार भी सकते हैं ये, और वो कहते हैं कि मेरी अच्छी प्रशासन में भी पकड़ है, नेतागिरी में भी पकड़ है और हम तुम्हें बताएंगे कि तुम चीज क्या हो। और इसको प्रशासन के लोग आए थे, इन्होंने क्या प्रशासन ने ये देखा, पूरा नापातौली करी, उसके बाद हमारी जमीन बिल्कुल हमारी है और बिल्कुल नाप तौल के। विकास नगर तहसील के सेला कुई पर पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन के दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेसियों का कहना है कि पिछले 7 साल में बीजेपी सरकार ने लोगों का सिर्फ नुकसान ही किया है, तेलों के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं और इस महंगाई ने आम आदमी को काफी ज्यादा मुश्किल में डाल दिया है। सिंह जी के निर्देश अनुसार आज पूरे प्रदेश के अंदर महंगाई के को लेकर जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, सभी पेट्रोल पंप पर धरने जारी हैं और जिला पछवादून देहरादून में भी जगह जगह धरने हो रहे हैं और आज सेला कोई में सभी कांग्रेस जनों के साथ यहां पर धरना दिया गया है। आज जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें अपने निम्न स्तर पर हैं और लगातार टैक्स बढ़ाकर ये सरकार आम जन के जेब से पैसा निकालने का काम कर रही है और डीजल पेट्रोल की कीमत कई जगह तो 100 रुपये से ऊपर पहुँच चुकी है और यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर भी। वहीं लालकुआ के वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन चौहान ने लालकुआ विधानसभा क्षेत्र हाथीखाना में हो रहे सड़क निर्माण का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और सड़क निर्माण कार्य में गुणवत्ता में किसी तरह की कोताही न बरतने के निर्देश दिए। इस दौरान भाजपा नेता पवन कुमार चौहान ने कहा कि हाथीखाना क्षेत्र में पिछले लंबे समय से जल भराव की समस्या एक गंभीर समस्या बनी हुई है, जिसका उनके द्वारा पूर्व में सड़क निर्माण का आश्वासन भी दिया गया था, जिसका आज कार्य शुरू हो गया है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि उक्त बदहाल मार्ग पर अब जल्द ही सीसी मार्ग में तब्दील हो जाएगा और लोगों को राहत मिलेगी। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की सराहना की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा लगातार प्रदेश कीर्तिमान विकास कार्य किया जा रहा है। देखिए, 4.5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक विकास कार्य किए हैं। ये कोरोना काल 1.5 साल से हम लोग कहीं ना कहीं विकास कार्यों में थोड़ा सा हल्केपन आया है, पिछड़ापन आया है, थोड़ा धीमी गति हो गई थी क्योंकि लोगों की जीवन बचाना बहुत जरूरी हो गया था। इसलिए हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, एक एक जनता के बीच में सब लोग लगे हैं। अन्य दल के लोग आपको नहीं दिखाई दे रहे होंगे। हमने घोषणा की थी क्योंकि ये वास्तव में बहुत बड़ी समस्या थी। यहाँ के लोगों का जो जीवन था वो एक बहुत नरकमय हो गया था। लंबे समय से बहुत बड़े नेता आए, लोगों ने बड़े भी। वहीं गुंज संस्था की ओर से मसूरी व्यापार मंडल के सहयोग से अलग अलग क्षेत्रों में 500 लोगों को राशन किट वितरित की गई और इस दौरान गुंज संस्था की अध्यक्ष डॉक्टर सोनिया आनंद रावत ने कहा कि वे लगातार मसूरी क्षेत्र के साथ ही पूरे प्रदेश में
गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आज उनके द्वारा मसूरी के गरीब जरूरतमंद लोगों को राशन वितरित किया गया है और जब तक कोरोना काल रहेगा वह लोगों की मदद करती रहेंगी। वहीं व्यापार मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि डॉक्टर सोनिया आनंद रावत के प्रयासों से व्यापार मंडल पूरे शहर में गरीब जरूरतमंद लोगों के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सभी लोगों को मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाना चाहिए और इस पर बिल्कुल भी राजनीति नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि इस समय लोग कोरोना से त्रस्त हैं और सभी को सहायता की जरूरत है। देखिए, कोरोना संक्रमण के बीच खासकर निम्न वर्ग और मध्य वर्ग के लोग परेशान हैं। आर्थिक स्थिति उनकी खराब हो चुकी है, लोग बेरोजगारी की कगार पर हैं। इसी बीच हमारे बीच सोनिया आनंद रावत जी द्वारा और मसूरी ट्रेडर एंड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से अब तक करीब 250 से ऊपर परिवारों को राशन दे चुके थे हम लोग, और आज की तिथि में 10 तारीख को 500 लोगों का वितरण समस्त मसूरी में किया जा रहा है, जो अलग अलग मोहल्लेवार करा जा रहा है, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग रहे और खासकर उन लोगों को करा जा रहा है जो जरूरतमंद है। सबसे पहले मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और देखिए, जहाँ तक फंडिंग की बात है, जहाँ तक राशन वितरण की बात है, राशन के अलावा भी हम बहुत चीज़ें लोगों को मुहैया कराएंगे। अभी रोज़ का हमारा टारगेट है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक हम लोग इसी क्षेत्र में रहते हैं और सही लोगों की लिस्ट बनाई जा रही है कि जिनको वाकई निडी लोग हैं, जिनको राशन की आवश्यकता है, हम लोग अन्यथा ऐसे किसी को नहीं दे रहे हैं। और फंडिंग की बात है तो देने वाला तो ऊपर वाला है, अपने आप ही न जाने कहाँ कहाँ से हमारे से लोग जुड़ते चले गए और हमें फंडिंग होती जा रही है। और हम रुक करते अगली खबर की ओर। कोरोना महामारी में कई लोगों ने अपनों को खो दिया। इसी कड़ी में महामारी से जान गंवाने वाले लावारिस मृतकों की अस्थियां के सिलसिले में कांग्रेस कार्यकर्ता हरिद्वार पहुंचे। मौके पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूरे विधि विधान के साथ 500 अस्थि कलश का विसर्जन किया। विसर्जन के दौरान 21 ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ मृतकों के लिए मोक्ष की कामना की गई। ये सभी अस्थि कलश दिल्ली के कई शमशान घाटों से लाए गए हैं। जब कोरोना का लॉकडाउन हुआ, पहला लॉकडाउन जब हुआ, तो उसके बाद से ही दूसरे लॉकडाउन के अंदर, सेकंड वेव के अंदर, दिल्ली के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके परिवार के अंदर कोई नहीं बचा था, कि मतलब छोटे छोटे बच्चे और बेसहारा हो गए थे। और ऐसे लोगों का हमने दाह संस्कार किया और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके परिवार से कोई दाह संस्कार करने नहीं आया, और बहुत सारे ऐसे बेसहारा और बेघर लोग भी थे जो होमलेस थे और जिनका इस दुनिया के अंदर कोई नहीं था। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी के नेतृत्व में हमने दाह संस्कार के बाद जब देखा कि शमशान घाटों के अंदर अस्थियों के ढेर लगे हुए थे और कोई उनके परिजन लेने वाले नहीं थे, कोरोना काल के बाद में भी, लॉकडाउन खुलने के बाद भी उन्हें कोई लेने नहीं आया। हमने पहले भी 168 लोगों की अस्थियों को विसर्जित किया था गढ़गंगा में। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देशभर की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।